हेलो नाइन्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द मैथ्स वन. फाइंड द डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ द नंबर गिवन बिलो. राइट, डिस्टेंस निकालना है. नंबर लाइन दिया हुआ है, दिस इज द नंबर लाइन. राइट, और नीचे अपने को डिस्टेंस पूछा है. जैसे डिस्टेंस बी पूछा है, बी और ई के बीच में गैप कितना है, बी और ई के बीच में. बाद में डिस्टेंस ए जे पूछा है, जे और ए के बीच में गैप कितना है. तो कभी भी डिस्टेंस निकलते टाइम इतना खाली याद रखने का, दोनों पॉइंट्स का नंबर्स देखने का, और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करने का हमेशा याद रखो. जैसे अभी डिस्टेंस बी ई बोला है, बी और ई, बी और ई, बी का नंबर है 2 और ई का नंबर 5 है. पाँच और 2 बड़ा कौन है, ई बड़ा है, 5 माइनस 2. ठीक है, डिस्टेंस जे ए पूछा है, तो जे किधर है, जे माइनस 2, ए 1 है, तो 1 बड़ा है, 1 माइनस माइनस 2, ऐसा रहेगा. फिर भी एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूँ, देख लो. अब पहला डिस्टेंस बी, बी में बी का नंबर है 2, ई का नंबर है 5. ठीक है, बी का नंबर 2, ई का नंबर 5. लिसन, बी का नंबर 2, ई का नंबर 5. बी मुझे बताओ, डिस्टेंस बी ई 5 माइनस 2, आंसर कितना आएगा, 3. तो डिस्टेंस बी का आंसर कितना रहेगा, 3. अभी डिस्टेंस पी सी, पी का वैल्यू कितना है, माइनस 4, और सी का वैल्यू कितना है, 3. माइनस 4 और 3, माइनस 4 और 3 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है. उसको कैसे लिखना है, डिस्टेंस पी सी इज इक्वल टू 3 बड़ा, 3 माइनस माइनस 4, 3 माइनस माइनस 4, 3 बड़ा है, उसमें से माइनस 4 माइनस किया, माइनस माइनस मिलके क्या होता है, प्लस. तो 3 प्लस 4, आंसर कितना आएगा, 7. समझ गया. एक क्वेश्चन और देखते हैं, डिस्टेंस क्यू बी, लास्ट वाला डिस्टेंस क्यू बी, क्यू का वैल्यू कितना है, माइनस 5, और बी का वैल्यू कितना है, 2. क्यू का वैल्यू माइनस 5, बी का वैल्यू 2. क्यू का वैल्यू माइनस 5, बी का वैल्यू 2. तो क्यू का अभी लिखने का, डिस्टेंस क्यू बी इज इक्वल टू माइनस 5 और 2 में बड़ा कौन है, ऑब्वियस 2 बड़ा है, 2 माइनस माइनस 5, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर कितना आएगा, 7. ठीक है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस 3 क्वेश्चंस, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व ऑल फॉर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट से लेके 8 तक. ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज एक्स एंड बी इज वाई, फाइंड डिस्टेंस ए बी. पहले वाले में एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 7. लास्ट वाला क्वेश्चन मैं बता दूंगा, एक्स का वैल्यू 4. पहला और लास्ट बता रहा हूँ, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 7, और इसमें एक्स का वैल्यू 4, वाई का वैल्यू माइनस 8. ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 7, एक्स का वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू माइनस 8. इसको कैसे सॉल्व करना है, डिस्टेंस ए बी निकलना है. राइट, ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 7 है. राइट, डिस्टेंस ए बी, बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 7, छोटा वाला नंबर 1 है, तो 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6, ये इसका आंसर रहेगा. यहाँ पे ए इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस 8, therefore distance AB, इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 4 बड़ा, तो 4 माइनस, उसमें से छोटा वाला नंबर माइनस कर दो, तो 4 प्लस 8, राइट, इज इक्वल टू 12. दिस विल बी द आंसर ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व सेकंड. ओके, नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन. फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, फाइंड विच द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू पॉइंट्स. नाउ अभी इसमें से पहचानने का बिगर नंबर कौन सा है, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू 10, राइट. स्मॉलर नंबर कौन कौन सा है, 7 और 3, इसको प्लस करो, डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इज इक्वल टू 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, बराबर. तो हम लोग बोल सकते देयर फॉर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस Q
क्यूआर, करेक्ट। तो ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर पी क्यू आर द कोलिनियर पॉइंट्स, करेक्ट। एंड इन दोनों में कॉमन पॉइंट्स कौन से हैं, आर आर इज बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, समझ गया। तो आर जो है पहले क्या करने का, बड़ा नंबर लिखने का पी क्यू, फिर दोनों छोटे जो नंबर हैं उनको प्लस करने का, अगर इक्वल आ गया तो लिख देने का डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल टू डिस्टेंस पी आर प्लस क्यू आर, और बाद में बताने का पी क्यू आर इज कॉलिनियर पॉइंट्स, और लास्ट में आर इज द बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू। इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इस ये भी फिफ्थ नंबर सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें बड़ा नंबर क्या है एक्स वाई, तो लिखने का डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू 15, करेक्ट। उसके बाद जो बाकी जो पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड इज इक्वल टू 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब लिखने का रेशियो दोनों सेम आ रहा है, तो डिस्टेंस एक्स वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस वाई जेड प्लस डिस्टेंस एक्स जेड, इज दिस क्लियर। अब उसके बाद बताने का पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर पॉइंट्स, इज दिस क्लियर। पॉइंट्स एक्स वाई जेड आर कोलिनियर, इसमें से कॉमन क्या है जेड है, तो लिखने का पॉइंट जेड इज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड वाई, इज दिस क्लियर, दिस इज द आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बड़े नंबर कौन से हैं, डिस्टेंस एम एन इज इक्वल टू 12, बाकी जो छोटे नंबर हैं डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एन एल इज इक्वल टू 11 प्लस 8 इज इक्वल टू 9, बराबर आ रहे क्या, नहीं। तो डिस्टेंस एम एन इज नॉट इज इक्वल टू डिस्टेंस एल एम प्लस डिस्टेंस एम एल, देयरफॉर पॉइंट एल एम एंड इज नॉट कोलिनियर, बस इतना ही लिखना है, ठीक है। दिस इज द वन ऑफ द क्वेश्चन, ओके, जस्ट एट द स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन and solve question number 1, 2 and 3 as a homework. 4, 5, 6, 7 we will discuss later, but today's homework is 1, 2 and 3 only. Okay, thank you, have a great day. फिर भी कुछ भी doubt होगा तो पूछ सकते हैं. Thank you, have a great day.